एवरीवन, इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ अनुष्का नामदेव। जैसा कि आप सब जानते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो क्वार्टर फाइनल मुकाबले चल रहे हैं यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट शुरू हो गए हैं। मंगलवार को दो टीम एक दूसरे से भिड़ी थी। जी हाँ, 26 जनवरी को पंजाब और कर्नाटका के बीच हुआ था, जिसमें पंजाब की टीम ने कर्नाटका को धूल चटाकर जीत हासिल कर ली थी। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के बीच, जिसमें तमिलनाडु ने 5 विकेट से कर्नाटका टीम को धूल चटा दी। तो वही आपको बताते हैं कि ये दो टीम जो है वो सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी हैं। BCCI के T20 टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल्स में पंजाब और तमिलनाडु की टीम पहुंच चुकी है। अब बाकी दो जो टीमें हैं उनका फैसला 27 जनवरी को जो होगा, उसमें जो टीमें सेमीफाइनल्स में पहुंचेंगी वो फाइनल्स में इन दो टीम से भिड़ेंगी, यानी कि पंजाब और तमिलनाडु से भिड़ेंगी। तो आपको बता दें, 27 जनवरी यानी कि बुधवार को हरियाणा और बड़ौदा के बीच मुकाबला होगा, और वहीं उसी के साथ आपको बताते हैं बिहार और राजस्थान के बीच मुकाबला होगा। इन दोनों ही सेमीफाइनल का मैच जो है वो अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, उसी के साथ आपको बताते हैं, देखिए जो फाइनल्स का मुकाबला है वो भी सरदार पटेल के स्टेडियम में ही आयोजित कराया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि बायो बबल का जो रीजन है, बायो बबल के कारण जो है फाइनल्स भी ये लोग सरदार पटेल स्टेडियम में ही ऑर्गेनाइज करवाएंगे। और वही हम आपको बताते हैं तमिलनाडु और जो मुकाबला हुआ हिमाचल प्रदेश के बीच, जिसमें तमिलनाडु ने 5 विकेट से जीत हासिल करी। देखिए, स्टार्टिंग में बहुत ही मुश्किल का वक्त था, जिसमें तमिलनाडु की टीम जो है वो हार का सामना करने ही वाली थी, कि धीरे धीरे करके टीम ने मजबूती पकड़ी और जीत हासिल करी। देखिए, 66 रन पे आधी टीम जो है पवेलियन लौट चुकी थी। दिनेश कार्तिक 2 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे उम्मीद थी उन्होंने बहुत ही फ्लॉप शो किया। जी हाँ, दिनेश कार्तिक का फ्लॉप शो रहा, लेकिन तमिलनाडु जो टीम जो है वो सेमीफाइनल्स में पहुंच गई। उसी के साथ आपको बताते हैं, अपराजित तोती उन्होंने 52 रन का स्कोर खड़ा करा, और वहीं शाहरुख खान ने 40 रन, यानी कि इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से जो टीम ने है जीत हासिल कराई। अब आपको बताते हैं पंजाब और कर्नाटका के बीच जो मुकाबला हुआ, जिसमें पंजाब की टीम ने 89 रन का स्कोर खड़ा करके फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में जो है जगह बनाई। सिमरन सिंह ने जो है 49 रन का स्कोर खड़ा करा, जिसके साथ ही जो है पंजाब की टीम ने जीत हासिल करी। अब जो मुकाबला होगा बुधवार को वो होगा हरियाणा और बड़ौदा के बीच, और वहीं बिहार और राजस्थान के बीच। अब देखते हैं दोनों ही टीमों के टक्करों से कौन सी टीम जो है वो सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाती है। और फाइनल्स आपको हमने बताई दिया है कि 31 जनवरी को सरदार पटेल के स्टेडियम में ही फाइनल्स होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही अच्छे हों, जिसमें खिलाड़ी अपना अच्छा परफॉर्म करें, और इन्हीं मुकाबलों की वजह से जो है जिसमें खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे उन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा IPL 2021 में हिस्सा बनने का। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।